नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज मेरे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिनको शायद मैं बहुत सालों से जानती हूँ, लेकिन उनका जो ये करियर पाथ जो रहा है वो बहुत ही उतार चढ़ाव भरा, लेकिन आज की डेट में देश के बड़े ही संभ्रांत या जिसे कहे बड़े सूबे के वो आज मुख्यमंत्री हैं। मैं बात कर रही हूँ भगवंत मान जी की। मान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे लगता है कि एक इतना लंबा सफर जो आपका रहा और उसके बाद एक कल्मिनेशन, एक चीफ मिनिस्टर बनना, कैसा लगा कि बहुत सबसे पहले तो अनुराधा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस कार्यक्रम में मेहमान के तौर पे बुलाया। और बिल्कुल सही कहा आपने कि आप मुझे लंबे समय से जानते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्शन हाउस होता था BAG का, उसमें मैंने अपना करियर, जो सीरियल का करियर, जो ऑडियो तो पहले ही आती थी पंजाबी में, लेकिन पंजाबी में पहला सीरियल जो था कॉमेडी का, वो आप ही के प्रोडक्शन हाउस में मालवीय नगर में आपका ऑफिस होता था तब। जी। बड़े अच्छे माहौल में हम काम करते थे, बहुत अच्छा काम। और मोस्ट वॉच सीरियल है अब तक वो जो पंजाबी में देखा गया, पारिवारिक है, पूरा परिवार इकट्ठा बैठ के देखता था। तो पहले सफर शुरू हुआ 17 साल की उम्र में, जब लोगों ने मुझे भगवंत मान बना दिया, सीडीज कैसेट्स, वो मोस्टली मेरा व्यंग होता था। सिस्टम पर व्यंग होता। मेरा तो यही सवाल था कि जो व्यक्ति सिस्टम के खिलाफ तो नहीं, लेकिन सिस्टम को क्वेश्चन करता रहता था, वो आज की डेट में एक सिस्टम का, जिसे कहते हैं ना, हेड आग होके बन गया, आ गया। समझ लो मेरी, भगवान ने मेरी ट्रेनिंग करवा दी कह लो, जहाँ स्क्रिप्ट ऐसी लिखी हुई थी भगवान ने कि पहले सिस्टम पर चोट करवानी है, व्यंग करवाना है, फिर उसी सिस्टम को ठीक करने के लिए इसको जिम्मेदारी देनी है। तो अच्छा लग रहा है कि लोगों ने इतना बड़ा मैंडेट दे के मुझे पंजाब, जो कि पंजाब जो है देश का वो स्टेट है जो देश का फुटबॉल भी है, और हर इंकलाब पंजाब से, और पंजाब लीड करता है, और आज़ादी लेने में पंजाबियों का हाथ है, आज आज़ादी को, उसी आज़ादी को कायम रखने में पंजाबी जो है सरहदों पर। आप जिस पार्टी से जुड़े मान साहब, उस पार्टी के आज जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं वो जेल के अंदर हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हो, मनीष सिसोदिया जी 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, सत्येंद्र जैन को 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है। वो पार्टी जो कि भ्रष्टाचार के विरोध में खड़ी हुई थी, उस पार्टी के जितने लीडर्स हैं, टॉप मोस्ट जो हाईकमान है, वो भ्रष्टाचार के आरोप में घिर के उनको जेल के अंदर डाला हुआ, क्या आपको क्या लगता है कि पब्लिक क्या समझेगी, इसको कैसे देखेगी? देखिए, पब्लिक है, सब जानती है। ये बहुत दुखदायक है कि जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है वो नहीं चाहती कि कोई भी आवाज़ उनके खिलाफ उठे। अकेले अरविंद केजरीवाल या सत्येंद्र जैन या मनीष सिसोदिया या संजय सिंह नहीं, जितनी भी देश में गवर्नमेंट है नॉन BJP, सबको एक किस्म की दिक्कत आ रही है। तमिलनाडु में जो गवर्नर हैं वो स्टालिन साहब का जो भाषण, जो बजट पे स्पीच होती है, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा पास होती है, उसको बोलना ही होता है गवर्नर ने, वो बोलने से मना करते हैं। मेरा गवर्नर बोलने से मना करता है, स्टालिन साहब को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है अपने स्पीच को लेकर। बिजेन जी सुप्रीम कोर्ट में अभी पिछले दिनों जंतर मंतर पे धरना देके केरला के मुख्य, बंगाल में हर रोज कोई ना कोई गवर्नर के साथ झगड़ा होता है, कोई ना कोई उनको तंग किया जाता है। दिल्ली में तो खैर LG ने कमाल ही कर रखा था कि कोई काम भी नहीं करने देते। मुझे अपना बजट सेशन करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, मतलब गवर्नर ने कहा मैं आपको बजट सेशन की परमिशन नहीं दूंगा। जब हम सुप्रीम कोर्ट गए तो कहते हाँ जी दे दूंगा। तो मतलब ऐसे माहौल में विपक्ष का काम करना बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं चलता कि आप अरविंद जी को अंदर कर दोगे, लेकिन उनकी उनकी सोच को कैसे अंदर करोगे? आप आम आदमी पार्टी कोई NGO तो है नहीं, अब आम आदमी पार्टी की 2 स्टेट में गवर्नमेंट है, 10 हमारे राज्यसभा में हैं, दिल्ली की MCD में हम बहुमत में हैं, 5 MLA हमारे गुजरात में हैं, 2 हमारे गोवा में हैं, मध्य प्रदेश में सिंगरौली में हमारा मेयर है, चंडीगढ़ में हमारा मेयर है। तो आम आदमी पार्टी जो है अब कोई छोटी पार्टी नहीं है, नेशनल पार्टी बन चुकी है। तो ऐसे आप उसके प्रधान को अंदर करके आप दबा नहीं सकते। जो हमारा एजेंडा है वो आज भी भ्रष्टाचार के खिलाफ ही है।
एंटी करप्शन मूवमेंट से निकली हुई पार्टी है, हम अपने असूलों पर खड़े हैं, हमारी नीति और नीयत दोनों साफ है।